वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से पहले नवाज शरीफ की वापसी का रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये तो चाहेंगे कि जाते जाते नवाज शरीफ को नुकसान पहुंचाएं। तो प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। अगलिया का जो इस वक्त बिहेवियर है, गुड टू सी यू वाला जो बिहेवियर है, उससे खदशा है हमें किसी और तरफ ना सारा सिलसिला चल पड़े। वी डोंट वांट टू रिस्क आवर लीडर्स फ्रीडम कि वो इस तरह रिस्क लिया जाए जब अगलिया जो है 12-12, 15-15, 20-20 जो है जमानतें इकट्ठी ले रही है और उनको जो है इतना पुचकार के जो है ट्रीट कर रही है। जो कुछ सामने आया है पिछले चंद माह के अंदर, तो इस फिजा में जो है आप बताएं कि मैं उसको आखिरी मोमेंट पे इस रिस्क में के हवाले कर दूं। ये लोग तो बड़े डेस्परेट हैं, ये तो चाहेंगे जाते जाते जो है कोई ना कोई मियां नवाज शरीफ को नुकसान पहुंचाए। डेट में तो यकीनन बाकी इत्तेहादी जमातों से भी मशावरत हो जाएगी और मोस्ट लाइकली अपोजिशन से भी पूछा जाए शायद, लेकिन कम अज कम इत्तेहादी जमातों के अंदर तो मशावरत होगी। और इत्तेहादी जमातों में दो जमातें तो नहीं है। इलेक्शन एक बात तय है कि इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए, इसमें से डिले का कोई तसव्वुर नहीं होना।